तो हाय गाइस, आज हम बनाने वाले हैं ब्लू टी। उसके लिए हमें ये ब्लू बटरफ्लाई फ्लावर्स चाहिए होते हैं। सो पहले अभी हमने ये पेड़ से तोड़ के लाए, इसलिए अभी हम पहले इसे वॉश करेंगे। अभी हमने एक बर्तन लिया है, अभी हम उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अभी हमने जो लीव्स लाए थे वो सारे डालेंगे। अभी हम इसको कुछ देर तक बॉईल होने को रख देंगे, ठीक है। सो अभी आप देख सकते हैं कि इसका कलर अभी थोड़ा ब्लू हो गया है। अभी ये और कलर छोड़ेगा। सो अभी इसको और 2-3 मिनट तक हम बॉईल करेंगे। सो अभी 1 मिनट के बाद हम देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर के फ्लावर्स थे, अभी इनका कलर वाइट हो गया है और इसका सारा ब्लू कलर उतर गया है। अभी हम इसे 30 सेकेंड्स तक और बॉईल करेंगे, फिर हम इसको निकाल के लेंगे। सो अभी 30 सेकेंड्स हो गए, अभी हम इन फ्लावर्स को निकाल लेंगे। सो अभी हम इसमें थोड़ी सी शुगर डालेंगे, फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे। सो ये बन गई हमारी ब्लू टी। अभी हम पर्पल टी भी बनाएंगे, वो कैसे मैं अभी आपको बताती हूँ। सो अभी हम इसको पर्पल टी बनाएंगे। सो पहले इसमें थोड़ी सी शुगर डालेंगे। सो अभी भी ये ब्लू टी, अभी हम इसको पर्पल टी में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आपको एक लेमन लेना है और इसको थोड़ा सा ही स्क्वीज करना है इसमें, फिर उसको मिक्स करना है। सो ये बन गई हमारी पर्पल टी। ऐसे ही ट्रेंडिंग रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। I believe I can fly.